मुकेश सोनी नाम के एक शख्स ने फेसबुक ग्रुप में एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें ये कहा कि मोदी सरकार बजट बनाने में बिजी थी, एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वर्कर्स को एंटी नेशनल स्पीच के लिए मारा जा रहा था। तो फिर हमने जब इस चीज़ के पीछे इन्वेस्टिगेशन किया और हमने यूट्यूब पर कीवर्ड्स डाले थे लाठी चार्ज ऑन कांग्रेस वर्कर्स करके, तो हमें ये वीडियो दिखा। लेकिन उस वीडियो जो है वो 5 महीने पहले ही शेयर किया गया था, मतलब बजट का जो दिन था उससे 5 महीने पहले ही इस वीडियो को शेयर किया गया। तो इससे ये क्लियर है कि ये बजट के दिन तो नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने सोचा कि एक्चुअल में क्यों मारा जा रहा था, क्या सच में वो एंटी नेशनल स्पीच दे रहे थे इसीलिए कांग्रेस वर्कर्स को मारा गया था, पीटा गया था। तो जब हमने इस चीज़ के बीच में जाने की कोशिश किया तो हमें एक रिपोर्ट मिला द हिंदू का। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस मुद्दे को कवर किया जिसमें उनका ये कहना था उस रिपोर्ट में, जो वहाँ के जो ASP है जिनका नाम है नीरज, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो कांग्रेस वर्कर्स हैं वो एक्चुअल में मिनिस्टर हाउस में कचरा फेंक रहे थे, गंदगी कर रहे थे वहाँ पर। और जब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे जो पुलिस वुमेन है और कुछ मेल जो कॉन्स्टेबल्स है, वो जब रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ कांग्रेस वर्कर्स हाथापाई भी कर रहे थे। और जब पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश किया तो कांग्रेस वर्कर्स ने फिर से हाथापाई करने की कोशिश किया। बोले मत, उसमें पुलिस वुमेन भी है और मेल कॉन्स्टेबल्स भी है, मतलब किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। उनके ऊपर उन्होंने हाथापाई किया जिसके कारण जो ASP है वहाँ के उनको माइल्ड फोर्स का मदद लेना पड़ा और फिर उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। तो ये क्लियर है, फैक्ट ये कि मुकेश सोनी जो क्लेम कर रहे थे फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को पोस्ट करके ये कहते हुए कि एंटी नेशनल स्लोगन्स देने के कारण उनको पीटा जा रहा था, वो भी बजट के दिन, तो कंप्लीट गलत है। बिकॉज रिसर्च करने के बाद जो डाटा यही निकल कर आता है कि जो वीडियो है वो 5 महीने पहले ही पोस्ट किया गया था बजट के दिन के लिए। एंड सेकेंड थिंग, एंटी नेशनल स्लोगन्स के कारण नहीं बल्कि वो मिनिस्टर हाउस में कचरा कर रहे थे और पुलिस वुमेंस और मेल कॉन्स्टेबल्स के साथ में वो हाथापाई कर रहे थे, इस चीज़ के कारण उन्हें माइंड फोर्स का मदद लेकर ये सब करना पड़ा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो ये न्यूज़ है वो कम्प्लीट फेक है, कम्प्लीट फॉल्स है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें पेट्रियन पे भी मदद कर सकते हैं ताकि हम अपने इस रिसर्च को, हम अपने इस काम को और भी अच्छा बना पाए और भी बेहतर बना पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस तरीके के फेक न्यूज़ को हम डिकोड करते रहेंगे और आप तक सच पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द फैक्ट हंट। जय हिंद, वंदे मातरम।